अब मैं आपका ध्यान एक और समस्या की तरफ लेके जाना चाहता हूं। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4,000 करोड़ रुपया डीप ओशन माइनिंग के लिए सैंक्शन किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा, जो कि एक सीएसआईआर की ब्रांच है, उसको ये एनआईओटी चेन्नई में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उनके साथ मिला के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सानिध्य में जो हिंदुस्तान के किनारे हैं वहाँ पर जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ से डीप सी माइनिंग करके जो मैंगनीज मॉड्यूल्स हैं, पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स हैं, उनमें से मेटल लाना ये काम सौंपा है। ये पहले तो 200 किलोमीटर तक सुपुत्र के किनारे पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है पहले तो ये उसमें से निकालेंगे, उसके बाद इंडियन ओशन में जो मिड ओशन रीज है उसमें जो ब्लैक स्मोकर्स हैं उनकी जो चिमनियाँ हैं जो 200-300 मीटर ऊंची होती है, उसमें कुछ सोना भी होता है, कुछ तांबा भी होता है, कुछ लोहा भी होता है, उनको तोड़ के उनका भी मेटल जो है वो लाएंगे। मगर जो इंटरनेशनल सी अथॉरिटी है अभी उसने पूरे विश्व के, चाइना ने भी किया है, चाइना ने भी बहुत बहादुरी दिखाई है, विश्व का जो सबसे डीप ओशन पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच उसके अंदर उन्होंने अपनी पनडुब्बी उतारी ये दिखाने के लिए कि हम वहां से भी मेटल्स जो हैं इकट्ठा कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ब्लंडर ये डीप सी माइनिंग होगी, इसके ऊपर इंटरनेशनल सी अथॉरिटी ने अभी परमिशन नहीं दी है पूरे विश्व के कंट्रियों को कि आप डीप सी माइनिंग करें। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वेद क्या कहता है मैं उसकी तरफ ले चलता हूं। हमारे यहां भगवत गीता में 10वां अध्याय जो है विभूति योग है, विभूति योग में 10वें अध्याय में 34वां श्लोक जो है उसमें 7 लड़कियों का, ऋषिकाओं का नाम है जो कि अपने जमाने की बहुत बड़ी ब्रह्म ज्ञानिनी और विदुषियां हुई हैं, ऋषियों की बेटियां हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण जी इस 34वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में विभूति योग में अर्जुन का कहते हैं, ए अर्जुन ये जो 7 ऋषिकाएं हैं जो डिस्टिंग्विश लेडीज हैं ये भी मैं ही हूं। वो 7 लड़कियों के नाम जब आते हैं तो उसमें एक नाम आता है वाक, ये महर्षि अमधन की बेटी है, बाघ अमधनी इसको कहते हैं, ये जो बागेश्वर जिला है इस बाघ के नाम पे है, ये जो बागमती नदी है वो बाघ के नाम पे है, ये जो बागपत जिला है ये भी बाघ के नाम पे है। जब हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब में बच्चे का नाम रखना होता है किसी सरदार बच्चे का तो वो कहते हैं जी वाक कटो जी वाक, तो जो वाक है वो उस वाक के नाम पे है, ये जो वाक है इसके साथ साथ श्री का नाम भी आता है, मेधा का नाम भी आता है, कीर्ति का नाम भी आता है, तो ये जो वाक है इसने एक देवी सूक्तम वेद के अंदर आता है, इसका 8 मंत्रों का है, ये इतना इंपॉर्टेंट है देवी सूक्तम कि ये 2 वेदों में रिपीट किया जाता है। उस देवी सूक्तम में वाक क्या कहती है, वो कहती है मम योनि अप्सु अंतः सुबुद्वे के, सुबुद्वे का मतलब सुबुद्व में, अंतः अंतः का मतलब मध्य, अप्सु का मतलब पानी, मम योनि अप्सु अंतः सुबुद्वे कि मेरी योनि जो है वो सुबुद्र के पानी के, सुबुद्र का जो सी फ्लोर है उसके मध्य में है,
कहने का मतलब कि विश्व की जो 84 लाख योनियां हैं, जो प्राणी हैं, उन सब का जो जन्म स्थल है, जो बर्थ प्लेस है, वो मिड ओशन रिज है। मिड ओशन रिज क्या होती है? वो वही है जिसको उसने कहा है मम योनि अप्सु अंतः सुबुद्रे, सुबुद्र के अंदर मध्य में जहां पानी है वहां पर जन्म स्थल है पूरे विश्व के 84 लाख योनियों का, यानी कि सारे प्राणियों का। अभी तक एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि धरती के ऊपर जो लाइफ का शुरुआत हुई है, जो ओरिजिन हुआ है, पहले कहते थे कि ये जो थंडर बोल्ट है आकाश में जो लाइटनिंग होती है उससे हुआ है। यहाँ तक कि जिस आदमी ने ये स्टेटमेंट दी थी उसने लेबॉरेटरी में भी एमाइनो एसिड लाइटनिंग से प्रोड्यूस करके दिखाए तो उसको नोबेल प्राइज दे दिया। बाद में कहा गया नहीं 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 नहीं, इतना विशाल ये एनिमल किंगडम, कुछ छोटी मोटी झीलों के अंदर लाइटनिंग से जो एमाइनो एसिड बने उससे नहीं हो सकता, तो कहा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है गलत है। बाद में कह दिया जी फोटोसिंथेसिस जो है, जी सूर्य की धूप जो है उससे जो फोटोसिंथेसिस है उससे धरती के ऊपर जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ। बाद में उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, 1970 के आसपास ऑलविन नाम की पनडुब्बी जब समुद्र की मिड ओशन रिज पे उतरी तो पता लगा कि वहां पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर 8-8 फुट लंबे प्राणी वहां पर समुद्र के अंदर मौजूद हैं। तो पता लगा कि वहां तो सूर्य की धूप पहुंचती नहीं, अंधेरा होता है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं तो वहां पे लाइफ कैसे होगी। और पता लगा कि धरती के ऊपर सूखी धरती पे जो स्पीशीज हैं उनसे अलग स्पीशीज वहां पे हैं। तो फिर इन्होंने एक नई टर्म को जन्म दिया, उसको कहा केमोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में केमोसिंथेसिस, यानी कि वो जो मैग्मा निकलता है उसमें से जो केमिकल्स हैं जब वो पानी के साथ मिलते हैं और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उससे भी वहां पर प्राणी पैदा होते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में एक नया टर्म इन्होंने कॉइन किया केमोसिंथेसिस, कि जो मैग्मा निकलता है मिड ओशन रिज पे वो पानी के साथ मिलके और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है समुद्र के पानी में उसके साथ मिलके वहां पर नई किस्म के प्राणी पैदा करता है। अब आप पूछना चाहेंगे कि वहां पर जो प्राणी पैदा होते हैं उनका डीएनए कहां से आया? तो फिर मैं आपको वेद की तरफ ले जाता हूं कि जब हम हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ते हैं तो जब जिसको मॉडर्न साइंस नेबुला कहती है, नेबुला हाइपोथेसिस, जो नेबुला है उससे जब सौर मंडल बनता है, सौर मंडल बनता है फिर धरती सूर्य से अलग होती है तो धरती के ऊपर लाखों उल्का पिंड जिनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं वो बम्बार्डमेंट करते हैं। अगर आप गूगल पे देखें मीटियोराइट्स जीन बैंक तो आपको पता लगेगा कि वो जो उल्का पिंड है उनके अंदर सारे प्राणियों के डीएनए होते हैं। इसलिए ये जो शिवलिंग है लोग कहते हैं जी सूर्य के अंदर एक पुरुष है वो शिव है। वो जो मीटियोराइट है मीटियोराइट के बम्बार्डमेंट से ही धरती के जितने 84 लाख प्राणी योनियां हैं ये सबका डीएनए मीटियोराइट के माध्यम से धरती के अंदर डाला जाता है। और वो जो डीएनए है जब मैग्मा मिड ओशन रिज पे निकलता है तो ये वही डीएनए जो है उसी के माध्यम से वहां प्राणी पैदा होते हैं। तो वाक ने जो लिखा है देवी सूक्तम में मम योनि
अपसु अंतैस बुद्वे, वो सीधा सीधा ये कहता है कि जितनी भी लाइफ है वो मिड ओशन रिज से निकली है। अब इसके अंदर बड़े प्रश्न पैदा हुए कि मिड ओशन रिज जो है 2.5 अरब साल पहले से चल रही है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स मिड ओशन रिज जो है 2.5 अरब साल पहले पैदा हो गई, जबकि फोटोसिंथेसिस बहुत बाद में हुआ है। फोटोसिंथेसिस बहुत बाद में हुआ है, जो केमोसिंथेसिस था ये फोटोसिंथेसिस से बहुत लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले हुआ। तो जो धरती के ऊपर जो लाइफ है उसका ओरिजिन जो है उसके लिए फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ना ही ये थंडरबोल्ट लाइटनिंग रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि केमोसिंथेसिस जो है, केमोसिंथेसिस से धरती के ऊपर सारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है। आप देखिए कि मॉडर्न साइंस कितना हिट एंड ट्रायल है कि जिस आदमी ने कहा कि लाइटनिंग थंडरबोल्ट से अमीनो एसिड बन गए लेक्स के अंदर, पानी के जोहड़ों के अंदर, पानी के तालाबों के अंदर धरती के ऊपर, उसको नोबेल पुरस्कार दे दिया। बाद में पता लगा कि उसको नोबेल पुरस्कार बेकार में दे दिया, उसका हाइपोथेसिस गलत था। धरती के ऊपर इतना बड़ा जो मेला लगा हुआ है ये लाइटनिंग से जो अमीनो एसिड पैदा हुए उससे नहीं हुआ, बाद में किसी ने फोटोसिंथेसिस का नाम दे दिया, उसको भी उठा के नोबेल पुरस्कार दे दिया। बाद में पता लगा कि फोटोसिंथेसिस से भी लाइफ नहीं पैदा हुई, लाइफ पैदा हुई केमोसिंथेसिस से। तो नोबेल फाउंडेशन, नोबेल पुरस्कार देने वाले जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी काबिलियत कितनी है, उनकी वैलिडिटी कितनी है नोबेल पुरस्कार की, ये एक मजाक बन गया है। वेद के अंदर जो केमोसिंथेसिस की बात उसने कह दी, देवी सूक्तम में मम योनि अपसु अंतैस बुद्वे, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है मॉडिफिकेशन की। उस चीज को मॉडर्न साइंस ने आज जाके स्वीकार कर लिया है, और आज जब हम डीप सी माइनिंग की बात करते हैं, मोदी जी 4,000 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस को सैंक्शन कर देते हैं, तो इंटरनेशनल सी अथॉरिटी अभी इनको मिड ओशन रिज के अंदर डीप सी माइनिंग की परमिशन नहीं देती। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मिड ओशन रिज के ऊपर इतने डेलिकेट और इतने फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स हैं, अगर वो बर्बाद हो गए, जो ब्लैक स्मोकर्स की चिमनियां हैं, ये भूखा मानव, ये वहां से सोने चांदी और पीतल और तांबे के चक्कर में अगर उन ब्लैक स्मोकर्स को तोड़ पाया और मिड ओशन को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो धरती का लाइफ का ओरिजिन है उसके जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, उनके जो प्रूफ हैं, उनके जो इकोसिस्टम्स हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। विश्व का जो इतना सीरियस एकेडमिक लॉस होगा उसकी भरपाई ये जो कुछ 1,000 करोड़ रुपया मेटल को मारेंगे, मैंगनीज नोड्यूल या तांबा या सोना या लोहा या कुछ, उसकी वैल्यू बहुत कम है, और उन इकोसिस्टम्स की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है। भूमि सूक्त अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि जी ने, उसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उसमें 63 मंत्र हैं। 63 मंत्रों में पूरी भूमि के फैक्ट फाइल जो है उसका वर्णन किया गया है। उसमें जब हम 61वां मंत्र जो है उसकी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं तो क्या लिखती है अथर्वा ऋषि जी, क्या लिखते हैं, यत ते उन्नम तत आपूयति प्रजापति प्रथम जा वितस्य, यह धरती यत्ते उन्नम, जितना तू ऊनी हो जाती, जितना तू कम हो जाती है, यानी कि संरक्षण जोन्स पे धरती जितना डिस्ट्रॉय होती है, जितना छोटी हो जाती है,
तत आपूयति, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, उसको द्वारा बनाने के लिए, उतनी नई धरती का निर्माण करने के लिए, वो जो मिड ओशन रिज है आपूयति प्रजापति प्रथम जा रितस्य, कि प्रजापति क्रिएटर, वो जो मैग्मा है जिसमें डीएनए 84 लाख योनियों का, उसको प्रजापति का प्रथम जा, प्रथम जा का मतलब पहला प्रोडक्ट, पहला बेटा, अज का मतलब बेटा, जैसे पंकज होता है, पंका मतलब कीचड़ होता है, अज का मतलब बेटा, कीचड़ के अंदर जो फूल उगता है कमल का फूल, उसको पंकज कहते हैं क्योंकि कीचड़ में से पैदा हुआ, ऐसे उसको प्रथम जा कहा गया। कि ये जो प्रजाएं हैं, ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनका जो प्रथम जा, जो पहला प्रोडक्ट है, जो पहला सैंपल है, वो वहां से रितस्य, रितस्य का मतलब ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये जो प्लेट डायनामिक्स है, ये जिस नियम से चल रही है कि कहीं पे सबडक्शन जोन में धरती डिस्ट्रॉय हो रही है, कहीं सी स्प्लिटिंग सेंटर में मिड ओशन रिज में नई धरती का निर्माण हो रहा है, ये जो सिस्टम है, ये जो यज्ञ है, ये जो कन्वेक्शन करंट है, ये जो प्रक्रिया है, ये रित, इसका जो पहला प्रोडक्ट है, जो पहला जीव है, पहली प्रजा है, वो मिड ओशन रिज में सी स्प्रेडिंग सेंटर में पैदा होती है। तो अथर्वा ऋषि ने भूमि सूक्त में क्लियर कट लिख दिया कि यत ते उन्नम तत आपूयति प्रजापति प्रथम जा रितस्य, कि यह धरती तो सबडक्शन जोन पे जितनी छोटी होती है, डिस्ट्रॉय होती है, उतनी ही नई धरती का निर्माण हो जाता है, ताकि धरती का साइज एज इट इज बना रहे। तो जिस जगह धरती का, नई धरती का निर्माण हो रहा है, उस मिड ओशन रिज के अंदर से वो जो ब्लैक स्मोकर्स हैं, उनको तोड़ना, उनको डिस्ट्रॉय करना, ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का निशान नहीं है, निशानी नहीं है, ये फुलिश सिविलाइजेशन की निशानी है। मैं देख रहा था वीडियो, उसमें ये मंत्री जी हैं, ये जम्मू से मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा के, शायद जितेंद्र सिंह जी, क्या नाम है इनका, वो बड़ी शान से कह रहे हैं कि हमने समुद्र के अंदर समुद्र यान इसरो ने बना लिया है, वो समुद्र यान जो है वो समुद्र के अंदर जाके सी बेड से पॉलीमेटैलिक जो ये मैगानीज नोड्यूल्स या दूसरे नोड्यूल्स हैं वो निकालेगा, पहले तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इंडिया का है उसमें से निकालेगा, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इंटरनेशनल सी अथॉरिटी ने इंडिया को एरिया दिया है जिसमें से इन्होंने शुरुआत करनी है, और बाद में करते करते ये जो इंडियन ओशन के अंदर मिड ओशन रिज है वहाँ भी पहुँचेंगे, और यही इरादा चाइना का भी है, और यही इरादा बाकी वेस्टर्न नेशंस का भी है। तो ये कितनी बड़ी ब्लंडर होने जा रही है डीप सी माइनिंग के नाम पे, कि जिसको वेद भूमि सूक्त में अथर्वा ऋषि कह रहा है कि वहाँ प्रजापति अपना पहला प्रोडक्ट पैदा करता है, और देवी सूक्तम कहती है, देवी कहती है मम योनि अपसु अंतः सूत्रे, कि हम पूरी धरती का जो जन्म स्थल है उसकी पूजा तो क्या करेंगे, उसको इज्जत तो क्या बख्शेंगे, उसकी कदर तो क्या करेंगे, उसको स्टडी तो क्या करेंगे, उसमें कुछ रिसर्च वर्क तो क्या करेंगे, उसमें कोई एकेडमिक एक्सरसाइज तो क्या करेंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे सिर्फ इस लालच में कि वहां से मेटल निकालना है। ये इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के लक्षण नहीं है, ये फुलिश सिविलाइजेशन के हैं।